सीबीएसई क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9 क्लासिफाई फॉलोइंग नंबर इज अ रैशनल और रैशनल नंबर। तो रैशनल और रैशनल नंबर के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कौन सा नंबर रैशनल होगा कौन सा नंबर इरेशनल होगा। तो अगर हम इसको डेसिमल जैसे फर्स्ट से नंबर सेकंड वाले की बात करें तो पहले हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। तो रैशनल नंबर वो होंगे इसमें डेसिमल के बाद रिपीटेशन ना हो, मतलब डेसिमल टर्मिनेशन हो जाए। जैसे √225 ये किसके बराबर होता है, 15 के बराबर होता है, ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। और रैशनल नंबर कौन सा, थर्ड वाला, इसमें क्या है 0.3796, इसमें क्या है डेसिमल टर्मिनेशन हो गया, इसको मैं लिखता हूँ 3796/1000, ठीक है ये लिख सकता हूँ, ये भी क्या है एक रैशनल नंबर। अब थर्ड वाले, अब इरेशनल नंबर्स की बात कर लेते हैं, बाकी बचे हुए सब क्या है इरेशनल नंबर्स है। √23 का मैं जब वैल्यू निकालूंगा तो वो भी क्या आएगा एक रैशनल नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये रैशनल के फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। ऐसे ही ये तो फर्स्ट वाला हो गया, अब इसके बाद ये फोर्थ वाला 7.478478478, यहाँ पे क्या है डेसिमल टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, ये क्या है इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है, तो डेसिमल टर्मिनेट नहीं होगा तो इसको हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ऐसे सबसे लास्ट वाला क्या है 1.01, ये तो वो वाला नंबर होगा जिसको कभी भी हम ना तो नॉन रिकरिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये हमेशा इरेशनल होगा, ठीक है, जहाँ पे नंबर्स ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिकरिंग हो रहा है। तो ये सब क्या है इरेशनल नंबर्स हैं, और फर्स्ट √22, 225 और 0.3796 क्या है रैशनल नंबर है, ठीक है।